जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति जिला परिषद सिरोही के अध्यक्ष एडवोकेट दिलीप सिंह मरडानी ने विद्युत कटौती से जूझ रहे ग्रामवासी और किसानों की हालत को देख ढोल बजाकर जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर को अघोषित विद्युत कटौती पर लगाम लगवाने के लिए कहा ताकि आमजन राहत की सांस ले सके। उन्होंने मरडानी गांव में 3 और पास के गांव में 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी डिस्काम की अघोषित विद्युत कटौती को बताया। इससे पूर्व डिस्काम चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर करीब 20 मिनट तक कोई बाहर नहीं आया तो कार्यालय के विद्युत बोर्ड पर लगे फ्यूज निकाले। इस मौके पर चीफ इंजीनियर कार्यालय से बाहर निकले जिसमें चल रही अघोषित बिजली कटौती के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए जिला जल एवं स्वास्थ्य समिति जिला परिषद सिरोही के अध्यक्ष दिलीप सिंह मरडानी डिस्काम चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर ढोल के साथ गांव के सरपंच और 7 लोगों को लेकर पहुंचे। कोयली रोड स्थित डिस्काम कार्यालय के मुख्य गेट से उनके मुख्य कार्यालय तक ढोल की तेज आवाज के साथ दरवाजे के बाहर पहुंचकर खड़े हो गए। करीब 20 मिनट बाद भी उनके पास कोई नहीं आया। यहां तक कि कार्यालय गेट पर बैठने वाला भी कर्मचारी नदारद था। इस पर उन्होंने करीब 7 मिनट इंतजार किया, फिर उसके बाद कार्यालय में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड से फ्यूज निकाले। उसके बाद 2 मिनट बाद चीफ इंजीनियर कमरे से निकलकर बाहर आया और उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी चल रही है जिसमें वे व्यस्त थे। उन्होंने चीफ इंजीनियर को बताया कि अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बेहद परेशान हैं। उनके गांव के 3 और दूसरे के पास के गांव में 4 लोगों की मौत हो गई। सरपंच ने कहा कि गांव के बड़े बुजुर्ग सभी परेशान हैं। एडवोकेट मरडानी ने बताया कि 3 से 7 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। किसान की कमर सबसे ज्यादा अघोषित बिजली कटौती निचोड़ कर रखती है। नियमानुसार बिजली कटौती से पहले उनको सूचना देनी होती है लेकिन यहाँ नियमों का पालन करने वाला कोई नहीं, जिसका जब जी चाहे ऊंची आवाज करके बोल देता है और बिजली कट जाती है। चीफ इंजीनियर ने उन्हें उनकी बात वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस पर मरडानी ने 4 फ्यूज उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि इसको वापस लगा दीजिए। वहां से वापस गाड़ी में सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों से ढोल बजाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट मुख्य दरवाजे के पास करीब 1 मिनट तक ढोल बजाया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अघोषित बिजली कटौती को बंद करवाने की मांग की। बिजली के कारण चोरियां हो रही है, हर गांव में बुढ़े लोग और जो दमा के मरीज हैं, हर गांव में 2-4 मर रहे हैं। मेरे गांव में 4 मरे हैं, ओडम में 3 मरे हैं, अकापुरा में 2 मरे हैं और ये 7 दिन में हालत ख़राब है। मवेशी पीने के लिए पानी के लिए तरस रही है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यही कहते हैं साहब कि शटडाउन है ऊपर से। अरे भाई शटडाउन कैसे हुआ? अब तो अब हमारी सरकार है ऊपर नीचे तो कोयला भी खूब आ रहा है। ये मिसमैनेजमेंट है, इस कारण से ये सारा हो रहा है और लोगों में त्राही त्राही मचा रखी है। पानी भी नहीं है कुओं में और लाइट नहीं है, अब कैसे भविष्य मिलाएंगे, किस तरीके से जो रोजगार वगैरह वो पिएगा, तो बहुत बुरा हाल है। और इस प्रशासन को हमने चेतावनी दे दी है और अधीक्षण अभियंता का भी हमने वहाँ ढोल निगारों से स्वागत किया, हमने मौन जुलूस निकाला है। तो भी अगर प्रशासन नहीं माना तो हम यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हम चेतावनी देने आए हैं, ये एक टोकन चेतावनी है। सर अपनी सरकार के विरोध में बैठना पड़ रहा है अब तक? नहीं, सरकार हाँ मेरी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता सर्वोपरि है, जनता ने हमको बिठाया है। जनता की आवाज़ अगर यहाँ बुलंद नहीं करेंगे, प्रशासन के कान नहीं खींचेंगे तो कोई मतलब नहीं, और जनता में हमारे प्रति अविश्वास पैदा होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं।